हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19th ऑफ जनवरी से लेके 25th ऑफ जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में। मैसेजेस फॉर एरीज, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। Eight of Pentacles, Seven of Wands, Ten of Wands, Judgment, Knight of Swords, and Wheel of Fortune. एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नजर आ रहा है यहाँ पे। आई थिंक आप किसी चीज से बहुत परेशान है। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है इस वीक में आप लोगों के ऊपर वर्क लोड बहुत ज्यादा है। आपको फोकस करना पड़ेगा अपने वर्क पे, एंड आपको लगेगा कि सारी चीजें साथ में हैंडल नहीं कर सकते आप। मैं बात कर रही हूँ रिलेशनशिप, करियर, लाइफ के बाकी चैलेंजेस की। आपको लगेगा कि सारी चीजें आप पे बर्डन बन गई है। एक तरफ तो आप अपने लाइफ के दूसरे प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है ये पर्सन जो शायद आपको कॉन्स्टेंटली जज कर रहा है। एरीज, हो सकता है कि आपका जो लवर है वो आपको जज करे, आपको ये कहे कि आप बिना बात के कंप्लेन करते हैं, या आप चीजों को जरूरत से ज्यादा एग्जेजरेट करके बता रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है यहाँ पे। आई थिंक एरीज, आप बहुत थक चुके हैं। मैं आपके हाथ में टेन ऑफ वॉन्ट्स देख रही हूँ। आपको फील होगा कि आप एक बर्डन को कैरी कर रहे हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस की बर्डन, इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन, आपका करियर, आपके लाइफ के इश्यूज। आई थिंक ये वीक जो है बहुत टायरिंग हो सकता है आपके लिए, पर यहाँ पे आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी देखिए। एंड में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो एक नए प्रोसेस की शुरुआत है। एंड ये सारी चीजें आपको अभी टफ लग रही हैं, पर धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज होगा। इन टेन ऑफ वॉन्ड्स आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर पड़ी हैं, या जो भी इश्यूज आपके ऊपर हावी हो रहे हैं इस वीक में, उनसे जल्द ही आपको छुटकारा मिलेगा। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आप जल्दी ही अपने फ्यूचर को क्लियरली देख पाएंगे। ओके, हालांकि जिससे आप डील कर रहे हैं एरीज, वो पर्सन आपको काफी अपसेट कर सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो सकता है। आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट हो रही है। आपका पर्सन आपको जज कर रहा है किसी भी बात के लिए, एंड आप अपना पेशेंस लूज कर देंगे। एंड इसमें आपकी गलती है भी नहीं। आप टेन ऑफ वॉन्ड्स कब से कैरी कर रहे हैं, और ये जर्नी आपके लिए आसान नहीं रही है डेफिनेटली। एंड शायद आपका पर्सन आपकी बात को समझ नहीं रहा, क्योंकि वो आपके बूट्स में नहीं है। तो एरीज, आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, और इनके साथ तो आप दोबारा लाइफ में शायद आप रोमांस नहीं फील कर पाएंगे, ऐसा आप सोचेंगे इस वीक में। आपको लगेगा कि ये पर्सन तो बहुत ज्यादा जजमेंटल है, प्रैक्टिकल है, एंड उन्हें आपका पेन नहीं दिखता, उन्हें आपका स्ट्रगल नहीं दिखता, एंड लाइफ आप पे कितनी भारी हो गई है वो उन्हें नजर नहीं आ रहा। उन्हें सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन से मतलब है। इस वीक में मैं आप दोनों के बीच में रोमांस नहीं देख पा रही। इस वीक में आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। एंड एरीज, सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि आपको खुद को डिफेंड करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, ये पर्सन आपको कॉन्टिन्यूसली ब्लेम करेगा, एंड अपना पॉइंट समझाने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है।
एंड आप समझ नहीं पाएंगे कि अब आप करें क्या इस सिचुएशन में. सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है, जो चीज आप इस पर्सन को नहीं समझा पा रहे या यू कहें कि ये पर्सन समझना नहीं चाहता, उस चीज को छोड़ दीजिए, चीजों को चेज मत कीजिए. एंड एक्सप्लेन करने की कोशिश तो कीजिए ही मत खुद को. ओके, एंड चीजों को एज इट इज छोड़ दीजिए. किसी चीज को करेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका जॉब है ही नहीं. आप कोशिश भी करेंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे. तो फिलहाल यूनिवर्स पे चीजों को छोड़िए. ओके, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं. आप किसी और फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, हालांकि साइन कोई भी हो सकता है, ये इतना भी स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये तो बस एक जनरल रीडिंग है. एंड हो सकता है कि ये सबसे रेजोनेट ना करे. एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैसेजेस आपके लिए. बीस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स. आई थिंक एरीज, सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, उस सिचुएशन को फेस करने की ताकत आपके अंदर है. एंड यूनिवर्स ने इसीलिए आपको इस चैलेंज को फेस करने को भेजा है, क्योंकि ये चैलेंज तो है, वो आपको ये महसूस करवाएगा कि आप कितने केपेबल हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं एक्सेप्ट कर सकते. सेवन ऑफ पेंटिकल्स के बाद हायरोफेंट भी है, तो जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद आप बहुत ज्यादा समझदार, प्रैक्टिकल और वाइज हो जाएंगे. चीजें आपके फेवर में काम करेंगी, पर आपको एफर्ट करना नहीं छोड़ना है. मेरा मतलब इस रिलेशनशिप से नहीं है, मेरा मतलब है नेगेटिविटी से बाहर आने की कोशिश. ओके, आप इसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये जो नेगेटिविटी है ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ये स्ट्रगल आपके लाइफ से खत्म नहीं होने वाला. ऐसा नहीं है, आप बस पहुंच ही गए हैं उस पॉइंट तक जहां तक आप पहुंचना चाहते थे. पर होता है ना कि जब हम किसी चीज के बहुत क्लोज होते हैं तो और ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं और फिर हमारे लिए कुछ भी कर पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है. वही चीज आपके साथ हो रही है इस वीक में. एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपका एफर्ट जरूर रंग लाएगा. अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये एक यंग विच है जिसने अभी अभी जादू सीखा है एंड वो अपने इस मैजिक को ट्राई कर रही है. दो तीन बार फेल होने के बाद फाइनली उसका मैजिक वर्क करता है और पेंटिकल उगाते हैं. यानी ये जो फेज है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा. एंड इस फेज के बाद आप फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत स्ट्रांग होकर निकलेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि ये है जीत पाने के बारे में. ओके, नेगेटिव चीजों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो आपको नेगेटिव बना रहे थे या आपको कह सकते हैं बैड लाइट में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे. आई थिंक फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ बात मैं करूं आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को तो आप यूं ही छोड़ दीजिए क्योंकि आपका ये जो पर्सन है ना, फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ अकेला रह ही नहीं सकता. ये पर्सन जल्द ही खुद ब खुद आपके पास चला आएगा. एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन फिर से आपको कुछ प्रॉमिस देगा, प्रॉमिस करेगा, कमिटमेंट देगा. एंड चाहेगा कि उनका ये जो अकेलापन है वो जल्द से जल्द खत्म हो. ये आपके ऊपर होगा कि आप कितने विलिंग हैं, कितने रेडी हैं उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. एवीज, फॉरेस्ट बादिंग आपसे कह रही है कि जरूरत है अपने अंदर के नेचर को नर्चर करने की,
जरूरत है अपने अंदर के नेचर को फील करने की, अपने स्पिरिट के ऊपर ट्रस्ट रखने की, अपने हायर सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट रखने की, क्योंकि वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे. ओके, तो ये थी रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.